श्री ओमर वैश्य जाति सेवक मंडल कानपुर द्वारा आयोजित 26वां निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी स्मारक नेत्र चिकित्सालय सर्वोदय नगर कानपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ ही शिविर में आए हुए मरीजों के दंत रोग का परीक्षण डॉक्टर कुशल ओमर एवं डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव द्वारा किया गया तथा मरीजों को निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। इस शिविर का उद्घाटन माननीय डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता मंत्री श्री ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी के कर कमलों द्वारा प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी महाराज को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्था निरंतर धर्मार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय के संचालन के साथ ही प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविरों का निरंतर आयोजन कर सेवा भाव से परामर्श का कार्य कर रही है, जो निसंदेह प्रशंसनीय है। इस नेत्र शिविर में 250 मरीजों के नेत्रों की जाँच करके उन्हें निःशुल्क परामर्श व दवाओं का वितरण किया गया तथा 100 मरीजों को नेत्र ऑपरेशन हेतु चिन्हित कर अस्पताल भेजा गया। दंत रोग परीक्षण शिविर में डॉक्टर कुशल ओमर एवं डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव द्वारा 50 से 100 मरीजों के दांतों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। संस्था द्वारा जनसेवा भाव से नेत्र ऑपरेशन हेतु चिन्हित किए गए मरीजों को डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी स्मारक नेत्र चिकित्सालय सर्वोदय नगर कानपुर में उचित देखभाल, चाय, नाश्ता, भोजन तथा दैनिक उपयोगों की किट, कंबलों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष बिहारी लाल जी, महामंत्री सुरेश चंद्र जी, संत कुमार, केदारनाथ, संत गोपाल, जगदीश गुप्ता, धनी राम, रसिक गुप्ता, नरेंद्र कुमार, राम विलास, राजेश कुमार, मनोज कुमार, दीपक गुप्ता, गोपी किशन, सतीश चंद्र, पंकज, राकेश गुप्ता, बालकिशन, ऋषि उमर, पवन गुप्ता, देवा उमर, मोहित गुप्ता, अमित गुप्ता एवं सेवाभावी सदस्यगण उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री। आज हमारा जो है 26वां कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क होता है। इसके साथ दंत शिविर लगाया गया। आज के शिविर में श्री जवाहरलाल रोहतगी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा संपन्न है। आज रात को ऑपरेशन होंगे, कल छुट्टी हो जाएगी। इन मरीजों को सभी सामान, दवाइयाँ, कंबल, वस्त्र, खाना पीना, दवाई, चश्मा सब लोग निःशुल्क दिए। कितने तकरीबन अभी तक मरीज आ चुके हैं? अभी तक यहाँ 250-300 मरीज यहाँ पर है, जो कि डॉक्टरों ने करीब 50 मरीज देखे और बाकी सब चल रहे हैं। दांत वाले भी 100 मरीज के ऊपर।